हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिकर टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यार कि यूट्यूब का ज़माना है। आज के ज़माने में जो भी कोई बंदा नया चैनल बनाता है तो उसको ये लगता है यार कि मेरे चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे ही हम चैनल बनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार जैसे कि हमारे चैनल पर बहुत स्लो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं, मगर हम ये भी चाहते हैं कि काश हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, हमारा इतना फ्रेंड सर्कल है, हम फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं, क्यों ना हम बोल बोल कर लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लें तो कैसा रहेगा। यार देखिए, मैं आज आपको इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया हूं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि हम लोग जब भी चैनल बनाते हैं उसके बाद हम किसी बंदे को सामने देखते हैं तो उसके माथे पर हमको केवल सब्सक्राइबर लिखा दिखा देता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यार कि यूट्यूब हमेशा ऑर्गेनिक जो क्रिएटर्स हैं उनको हमेशा लाइफ लॉन्ग टाइम देता है। यानी कह सकते हो आप लोग, बेसिक रूल तो यूट्यूब के जानते ही होंगे कि रीयूज कंटेंट और किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट मटेरियल यूट्यूब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। बाकी मैं आज आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि आप जब भी किसी भी बंदे को अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेजते हो, देखिए एक होता है अपने खुद के चैनल या जिस चैनल से आपका अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब का, अगर आप उस अकाउंट से किसी को वीडियो शेयर कर रहे हो, अपने YouTube वीडियो की लिंक शेयर कर रहे हो मेरे दोस्त, तो उसमें क्या होता है कि आप जिस भी बंदे को शेयर कर रहे हो तो अगर आप एक दिन में दो या दो से अधिक बार शेयर कर रहे हो तो आपके YouTube को क्या करता है, आपके चैनल को क्या करता है, आपके जो चैनल बना हुआ है मेरे दोस्त YouTube पर उसको क्या करता है, यूट्यूब डीमोनेटाइज्ड या फिर मतलब एक्सप्रेशंस कम कर देता है। क्या कर देता है दोस्त? एक्सप्रेशंस कम कर देता है, जिसके कारण आपकी वीडियो पर ना तो सजेशंस आते हैं, ना ही एक्सप्रेशंस आते हैं, ना कि CPC रेट अच्छा आता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। याद रखिए, जितना ज़्यादा ग्रो अप आप ऑर्गेनिक वे में ले सकते हो मेरे दोस्त, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट का इंटरेस्ट क्या है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपके कुछ दोस्तों को क्रिकेट पसंद है और आप क्रिकेट से रिलेटेड क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ठीक है ना। क्रिकेट पसंद है, आपके पाँच दोस्त हैं, पाँच में से दो को क्रिकेट पसंद है और तीन को क्रिकेट पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार आखिरकार मैं सभी दोस्तों से अपने सब्सक्राइबर करवा लूँ, मान लीजिए आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन आपके और दोस्त हैं वो क्रिकेट में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। बस यही मेन कारण होता है कि जब भी आप वीडियो बनाते हो तो आप उनसे कहते हो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, भाई आपका दोस्त है 100% कर लेगा, मगर जब आप उसको आप अपने यूट्यूब वीडियो की लिंक उसको भेजते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद भी वो आपकी वीडियो को क्या करता है मेरे दोस्त, सी नहीं करता, वॉच नहीं कर सकता, जिसके कारण क्या होता है कि आपका यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है आप कह सकते हो CPC रेट बहुत कम होती है और आपकी जो रैंकिंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण आपकी वीडियो ग्रो नहीं कर पाती है। देखिए ये बहुत आसान सी बात है, YouTube का एल्गोरिथम खुद कहता है कि जो वीडियो आपकी अधिकतर रैंकिंग में आ रही हो, यानी कि जिसको अधिकतर लोग देख रहे हों, ठीक है ना, उसको पूरा देख रहे हों, उसको अच्छा लग रहा है उनको देखने में, अच्छा खासा मतलब आपकी 3 मिनट की वीडियो, अगर 3 मिनट लगातार आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, आपके व्यूअर देख रहे हैं, तो आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा सजेशंस और एक्सप्रेशंस में आती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि यार हम तो सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, बहुत आसान है भाई, सब्सक्राइबर हर कोई गेन कर लेगा और आप यहाँ तक कि अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं कर पाओगे, याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमेशा आप लोग जानते हो यूट्यूब चैनल पर कभी भी वीडियो का पैसा नहीं मिलता है, केवल केवल एड्स का पैसा मिलता है और एड्स तभी आएगा और लोग जब आपकी वीडियो को देखेंगे। याद रखिए, एड्स आपका जो है वीडियो के बीच में भी आता है और स्टार्टिंग में भी आता है, दो तरीके के एड्स आप लगा सकते हो, लेकिन मैं वो अलग की बात है, मैं उस पर वीडियो और पहले बनाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये जानना जरूरी होता है कि यार आखिरकार हम अपनी लिंक को शेयर करें या ना करें। तो मैं तो यार यही रिकमेंड करूंगा मेरे दोस्त कि आप अपने YouTube चैनल की वीडियो का लिंक कहीं भी शेयर मत करिए यार, बिल्कुल मत करिए। आप ऑर्गेनिक वे में कंटेंट और अपनी वीडियो क्वालिटी को अच्छा करने की कोशिश करिए। आप जितना अच्छा उस पर अपलोड करोगे उतना अच्छा आपके पास अकॉर्डिंग टू यूर वीडियो इंटरेस्ट, अगर आपकी वीडियो मान लीजिए क्रिकेट पर है, आपकी वीडियो मान लीजिए किसी फिल्मी गानों पर है, आपकी वीडियो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आपको वैसे ही लोग आएंगे आपके चैनल पर, तो आपका चैनल बड़ी तेजी से ग्रो अप होगा। या देखिए क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके फ्रेंड्स या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पीपल्स से आप सब्सक्राइब नहीं करवाते हो, जिसके कारण आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो नहीं हो पाता है। हम लोग यही गलती कर देते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार हमको तो केवल 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यही मेन नहीं है यार। अगर आप ये पूरा कर भी लेते हो, दोस्तों से बोल बोल कर वीडियो दिखवा दिखवा कर अपनी जबरदस्ती में, मान लीजिए आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो गए, लेकिन मेरे दोस्त आपकी वीडियो कोई नहीं देखेगा। और अगर आप दोस्तों से भी कहोगे तो यार कोई किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है जो आपके लिए, हाँ एक आध दो होंगे जो कहेंगे चलो ठीक है आपके दोस्त की वीडियो, अपने भाई की वीडियो तो हम देख लें, तो यार एक या दो के देखने से आपका वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट
अकॉर्डिंग टू पीपल आपको अपने वीडियो का रिकमेंडेशन अगर करवाना है तो याद रखिए ऑर्गेनिक कंटेंट बनाइए और ऑर्गेनिक व्यूज पाइए और ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स पाइए। कभी भी आप अपनी यूट्यूब की वीडियो की लिंक है जो मेरे दोस्त बिल्कुल भी शेयर मत करिए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। और बाकी बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे वीडियो, बहुत से लोग बहुत नए नए यूट्यूबर्स हैं, पुराने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं कि लिंक शेयर करो, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आप शेयर करोगे भी तो याद रखिए आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रखने वाले पीपल आपको नहीं मिलने वाले हैं। यही मेन कारण होता है कि यूट्यूब चैनल उठने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार चलो ठीक है हम अपना चैनल मोनेटाइज कर लेंगे, लेकिन क्या है अर्निंग अच्छी खासी नहीं होगी। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है, सबसे मेन बात तो यही है मेरे दोस्त कि जब तक तो ये आपकी वीडियो देखेगी नहीं, आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पीपल आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आपकी वीडियो कौन देखेगा और क्यों देखेगा। सही बात है यार, उनका इंटरेस्ट मान लीजिए क्रिकेट में और आप बना रहे हो गानों से रिलेटेड वीडियो, तो कोई गाने नहीं सुनेगा, सिर्फ क्रिकेट ही देखेगा। बस यही मेन कारण होता है। यही मैं आपको बताने वाला हूँ यार कि आखिरकार क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप किसी को ये बोलकर कहते हो कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये कर लो। तो मैं आपको बता दूं यार ये बिल्कुल गलत है। हाँ वैसे गलत नहीं है, आप यूजर भी मैं कर सकते हो, मैं इसको टोटली गलत नहीं कहूंगा। अगर आपके पास 10-50 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं और सारे के सारे ऑर्गेनिक है तो आप सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत हो यार। यूट्यूब पहले मांगता है मेहनत मेरे दोस्त, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।